हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल नीटिंग लेसन। फ्रेंड्स, आज मैं 6 मंथ से लेकर 1 ईयर बेबी के लिए बहुत ही प्यारे से बूट बनाकर लाई हूँ। आज मैं आपको ये बूट बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाए गए हैं। फ्रेंड्स, ये बूट देखने में जितने सुंदर हैं उतने ही बनाने में बहुत आसान है। इस बूट को आप न्यू बोर्न बेबी से लेकर 2 से 3 साल के बच्चों के लिए बना सकती हैं। ये बूट हमारे यहाँ से स्टार्ट होते हैं और यहाँ पर इसका एंड होता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनाए गए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए मैंने ये 3 प्लाई वाली ऊन ली है और 10 नंबर की इसमें मैंने सिलाई ली हुई है। अब इस ऊन के साथ आप कोई भी इस तरह से एक्स्ट्रा ऊन ले लीजिएगा। जो अगर ये अपने डार्क कलर बनाना है तो लाइट कलर की एक्स्ट्रा ऊन ले लीजिएगा। और इस ऊन से अब यहाँ पर आप 9 फंदे डाल लीजिएगा। फंदे डालने के बाद सीधी साइड से भी सीधी और उल्टी साइड से भी सीधी, इस तरह से करते हुए आप इसमें 4 सिलाई तक बना लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये 4 सिलाइयाँ पूरी होने के बाद फिर आप अपनी वो वाली ऊन लीजिए जिससे आपने ये बुटीज बनानी है। और इसको आपने यहाँ पर बांधना नहीं है, इस तरह से ऐसे पकड़ लेना है। यहाँ पर कोई भी नोट ऊन की नहीं लगानी है। और जिस ऊन से हमने बुटीज बनानी है उस ऊन को लेंगे और इस पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुन के कम्प्लीट कर देंगे। तो ये देख लीजिए, धागा पीछे करके इस पूरी सिलाई को आप इस तरह से सीधा सीधा बना दीजिए। यहाँ नोट नहीं लगानी है क्योंकि ये जो हमने नीचे एक्स्ट्रा कलर की ऊन लगाई है, ये हमारी पट्टी पूरी होने के बाद इसको हमें खोलना है नीचे से। जैसे हम डबल बॉर्डर बनाते हैं तब बनाते हैं, ऐसे ही हमने इसको लिया हुआ है। अब आ जाइए इसकी उल्टी साइड पर। उल्टी साइड से भी इस सिलाई को आप पूरा सीधा सीधा बुन के कम्प्लीट कर दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 2 सिलाइयों में हमारी ये 1 लाइन आ गई है। अब इस तरह से दोनों साइड से सीधा सीधा, सीधी साइड से भी सीधी और उल्टी साइड से भी सीधी सिलाइयाँ बनाते हुए इसमें हमें जो है 25 से 26 सिलाइयाँ बनानी है, जिसमें हमारी ये 12 से 13 लाइनें आ जाएंगी। तो अब मैं दोनों साइड से सीधा सीधा बुनते हुए ये 12 से 13 लाइनें जो कि हमारी 25 से 26 लाइनों में पूरी होंगी वो मैं आपको करके दिखाऊँगी। तो मैं इसे बना लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसमें मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और जो 13वीं लाइन है वो हमारी हाफ है क्योंकि इसमें मैंने 25 सिलाइयाँ बनाई हैं। जब हम 26वीं सिलाई बनाएंगे तब हमारी ये लाइन पूरी होगी। तो आप इस तरह से इसमें 25 सिलाइयाँ बना लीजिए। 25 सिलाइयों में 12 लाइनें पूरी और 13वीं लाइन आपकी हाफ आ जाएगी। अब क्या करना है, ये वाली जो ऊन है आप इसे काट दीजिए। ये देखिए, ये जो हमारी वाइट कलर की जो हमने एक्स्ट्रा लगाई हुई है इसको बिल्कुल इसके पास से ऐसे कट कर दीजिएगा। अब कोई भी एक एक्स्ट्रा सिलाई लीजिएगा और ये देखिए, ये जो आपको ये वाइट वाइट दिख रहे हैं इनको आप इस तरह से खोलते जाइएगा। ये आपकी जो है खुल जाएगी ऊन, इसको आपने ऐसे कर करके निकाल देना है इसके अंदर से। ये बहुत ही आसानी से निकल जाती है, ऐसे कीजिए। ये देखिएगा, ऐसे आप करेंगे तो ये सारी आपके नीचे से खुल जाएगी और जितने फंदे हमने डाले हैं ऑरेंज कलर के वो हमारे बच जाएंगे। तो ये देखिए, ऐसे कर लीजिएगा, फिर इसको ऐसे निकालते जाइएगा। ये बहुत आसानी से नीचे से खुल जाती है। जब हम किसी भी प्रोजेक्ट के लिए डबल बॉर्डर बनाते हैं तब भी हम ऐसे ही बुनते हैं। तो मैं ये सारे फंदे इस तरह से करके खोल लेती हूँ और ये जो फंदे हमारे देखिए इस तरह से निकल आएंगे, इनको आप एक सिलाई में डाल लीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये मैंने खोल के और ये 9 फंदे अब इस सिलाई में डाल लिए हैं। अब इनको आप इस तरह से फोल्ड कर लीजिएगा और ये देखिएगा, ये जो हमारी 13वीं लाइन बनेगी अब ये हमारी पूरी हो जाएगी। तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं। एक तो ये है कि यहाँ से इस फंदे को आप देखिए ऐसे ले लीजिएगा, या तो आप एक फंदा इधर से एक इधर से इन दोनों सिलाइयों में कर लीजिएगा, या फिर ये फंदा आप पहले इस सिलाई में यहाँ से लेकर मैं इसको यहाँ पर डाल लेती हूँ इसके आगे। ये थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसमें, लेकिन हम अगर एक फंदा उस सिलाई से और एक उस सिलाई से ले लेते हैं तो ज़्यादा आसानी हो जाती है। मैं दोनों तरह से इसलिए बता रही हूँ कि आप जैसे चाहें वैसा कर सकती हैं। और फिर देखिए, एक ये जो पीछे वाली सिलाई का हमने इसमें लिया है और एक ये, इन दोनों को आप इस तरह से सीधा सीधा बुन दीजिएगा। फिर इस फंदे को लीजिए और यहाँ पर डाल दीजिए और एक इस सिलाई का और एक की सिलाई का, इन दोनों को आप इस तरह से सीधा बुन दीजिएगा। फिर यहाँ से एक फंदा ले लीजिएगा, इस सिलाई पर ले आइए। अब एक इसका और एक इसका, आगे से ऐसे सिलाई डाल के 2 का 1 कर दीजिएगा। ऐसे करते हुए आपने ये सारे फंदे बुन देने हैं।
आपकी 13 लाइन पूरी भी हो जाएंगी और ये फोल्ड हो जाएगा। ये देखिए पीछे से एक फंदा लिया और एक इसका, इस तरह से दो का एक कर दिया। फिर पीछे से ले आए और एक आगे वाली सिलाई का लिया और इसको सीधा बुन दिया। फिर एक पीछे से आगे वाली सिलाई पर किया और दो का एक बुन दिया। अब फिर से देखिए इसको हमने यहाँ लिया और इसको ऐसे सीधा बुन दिया। फिर इसको हमने यहाँ लिया और ये देखिए ये लास्ट का भी हमारा दो का एक हो गया। तो अब देखिएगा यहाँ पर हमारा ये इस तरह से जो बटन पट्टी इसके अंदर गई है वो पार्ट बन गया है और ये हमारे नौ के नौ फंदे हैं। अब इस एक सिलाई को आप पूरा सीधा बुन दीजिए। ये देखिए इस तरह से इस सिलाई को धागा पीछे कीजिए और पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुन दीजिएगा। अब आ जाइएगा इसके इस साइड पर, इस साइड को हम सीधी साइड बुनेंगे और ये हमारी उल्टी हो जाएगी। अब इस सिलाई को आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि अब हमारा ये वाला पार्ट इसका शुरू होगा। तो पहले फंदे को उतारिए या बनाइए ये आपकी अपनी चॉइस है। एक और ये दो, दो फंदे इस तरह से सीधे बुनने के बाद धागा अपनी तरफ कीजिए और दो फंदे सीधे बना दीजिए। एक और ये दो, तो ये देखिए जाली से यहाँ एक फंदा बढ़ गया है। फिर आप धागा अपनी तरफ कीजिए और एक फंदा सीधा बनाइए। अब इस फंदे के इस साइड भी जाली आएगी और इस साइड भी, धागा अपनी तरफ कीजिए और दो फंदे सीधे बनाइए। एक और ये दो, फिर धागा अपनी तरफ कीजिए और लास्ट के दो फंदे भी सीधे बना दीजिए, तो यहाँ भी एक जाली आ जाएगी। तो एक से बार में यहाँ पर हमारी चार जालियाँ आई हैं। अब आ जाइए इसकी उल्टी साइड पर, उल्टी साइड को भी ध्यान से देख लीजिएगा। पहले फंदे को उतारिए या बनाइए ये आपकी अपनी मर्जी है। एक और ये दो, दो फंदे बनाने के बाद देखिए ये जो जाली वाला फंदा है अगर आप इसको ऐसे बुनेंगी तो यहाँ पर छेद बनेगा, लेकिन इसको आप ऐसे देखिए पीछे की साइड से ऐसे सिलाई डाल के ऐसे सीधा बना देना तो यहाँ पर जो ये जाली का छेद है ये भर जाएगा। अब देखिए एक और ये दो, और यहाँ पर ये जो जाली है यहाँ पर हमने इसका छेद रखना है, तो इसको आगे की साइड से सिलाई डाल के आप सीधा बुन दीजिएगा। फिर ये जो बीच वाला फंदा है इसे भी आप सीधा बनाइए। अब ये वाली जो जाली है यहाँ भी हमने छेद रखना है तो इसे भी आप इस तरह से सीधा बुन दीजिए। तो ये देखिए एक फंदे के दोनों साइड हमारी जाली आ गई है। अब दो फंदे सीधे, एक और ये दो। अब यहाँ पर ये जो जाली है इस जाली को हमने भरना है, यहाँ छेद नहीं रखना है, तो इसको हमने देखिए बैक साइड से ऐसे सिलाई डालनी है और इसको सीधा बुन देना है, तो ये जाली का जो छेद है ये भर जाएगा और लास्ट के दो फंदे सीधे। एक बार इसकी जाली का प्रोसीजर पूरा हो गया है, अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। सीधी साइड पर देखिए फिर से एक और ये दो, यहाँ पर हर सीधी सिलाई पर दो फंदे के बाद हमने जाली डालनी है। धागा अपनी तरफ कीजिए और अब आप यहाँ पर देखिए एक दो और ये तीन फंदे सीधे बना दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए पहले हमने इस फंदे के दोनों साइड जाली डाली थी, जो फंदे हमारे बढ़ेंगे वो बीच में होते चले जाएंगे, जाली हमेशा इस जाली के फंदे के यहाँ पर डलेगी। तो धागा अपनी तरफ और तीन फंदे सीधे, एक दो और ये तीन, फिर धागा अपनी तरफ कीजिए और यहाँ भी तीन फंदे सीधे बनाइए, एक दो और ये तीन, और यहाँ भी हर सीधी साइड पर दो फंदे से पहले आपने जाली डाल के फंदा बढ़ाना है। धागा अपनी तरफ कीजिए और ये दो फंदे सीधे बनाइए। अब आ जाइए इसकी उल्टी साइड पर, उल्टी साइड पर ध्यान से देख लीजिएगा। पहला फंदा एक और ये दो, ये दो फंदे के बाद देखिए ये हमारी जाली है। इस जाली को हमने ऐसे नहीं बनाना है, पीछे की साइड से इसमें ऐसे सिलाई डालनी है और इसको सीधा बना देना है। तो ये देखिए ये जो हमने जाली डाली इसका ये छेद भर गया है। अब एक दो और ये तीन, तीन फंदे के बाद जो ये जाली आएगी यहाँ पर हमने छेद रखना है, तो इसको आगे की साइड से ऐसे सिलाई डालेंगे और इसको सीधा बुन देंगे। अब बीच के तीन फंदे आएंगे, देखिए एक
दो और ये तीन, तीन फंदे के बाद फिर से ये वाली जो जाली है इसका हमने छेद रखना है, तो आगे की साइड से सिलाई डालेंगे और इसको सीधा बुन देंगे। अब एक दो और ये तीन, यहाँ पर जो जाली है इस छेद को हमने भरना होता है, तो इसमें पीछे की साइड से ऐसे सिलाई डालेंगे और इसको सीधा बुन देंगे, तो यहाँ पर ये छेद भर गया और ये दो फंदे सीधे। एक बार फिर से आपको रिपीट करके दिखा देती हूँ, फिर आपने आगे आगे दोनों साइड से ऐसे ही बुनते जाना है। प्लाई वाली ऊन से बुन रही है तो आपके यहाँ पर 51 से 53 फंदे होने चाहिए, और अगर वर्धमान की नॉर्मल ऊन से बुन रही हैं तो लगभग 57 फंदे होने चाहिए, तब आपके ये 6 महीने से लेकर 1 साल के बच्चे के साइज पूरा हो जाएगा। तो ये देखिए एक और ये दो, ये दो फंदे बनाने के बाद हर सीधी सिलाई पर यहाँ आपको जाली डालनी है, तो धागा अपनी तरफ कीजिए और यहाँ आपके फंदे देखिए बढ़ते जा रहे हैं, एक दो तीन और ये चार, ये देखिए चार फंदे बुनने के बाद यहाँ पर ये जो जाली है इसके यहाँ जाली आएगी। अब धागा अपनी तरफ कीजिए और बीच में पांच फंदे आएंगे, देखिए एक दो तीन चार और ये पांच, ये देखिए पांच फंदे बनाने के बाद फिर धागा अपनी तरफ कीजिए और ये वाले चार सीधे बनाइए, एक दो तीन और ये चार, ये चार बुनने के बाद देखिए लास्ट के दो फंदे से पहले आपको जाली डालनी, तो धागा अपनी तरफ और ये दो फंदे सीधे बना दीजिए। अब उल्टी साइड भी एक बार बनाकर दिखा देती हूँ, फिर आगे आपको ऐसे ही करना है। ये देखिए एक और ये दो, ये दो फंदे के बाद ये जो आपकी जाली आएगी इसको आपने पीछे की साइड से ऐसे सिलाई डालना है और सीधा बुन देना, तो ये छेद भर गया है। अब आप चार फंदे बनाइए, एक दो तीन चार, और देखिए ये वाली जो जाली है इसका आपने छेद रखना, तो आगे की साइड से सिलाई डाल के इसको सीधा बुन दीजिए। अब एक दो तीन चार और ये पांच, अब ये वाली जो जाली है इसको भी आगे से ऐसे सिलाई डाल के सीधा बुन देंगे, तो ये छेद बनेगा। अब एक दो तीन और ये चार, अब ये वाली जो जाली है इसको आपने देखिए बैक साइड से ऐसे सिलाई डालनी है ऐसे करके, और इसको सीधा बुन देना, तो ये छेद भर जाएगा। इस तरह से आपने यही सीधी साइड की और उल्टी साइड की ऐसे ही सिलाइयाँ रिपीट करते जाना है। जब प्लाई वाली ऊन में यहाँ पर आपके टोटल जो है 53 फंदे होंगे, तब आप इसमें फंदे बढ़ाना बंद कर दीजिए, और आपकी जो है जब वर्धमान की ऊन हो तो 57 फंदे तक आप इसमें कर लीजिएगा। तो मैं 53 फंदे तक बढ़ाकर फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मेरे 53 फंदे हो चुके हैं, इसमें मैंने 11 बार जालियाँ डाली हैं। एक बार जाली डालने से सिलाई में हमारे चार फंदे बढ़ रहे थे, तो 11 बार जाली डालने से हमारे 44 फंदे बढ़े, 9 फंदे हमारे यहाँ पर थे और 44 हमने बढ़ाए हैं, तो टोटल 53 फंदे हैं। अगर आपकी प्लाई वाली ऊन है तो 53 और वर्धमान की ऊन है तो आप 12 बार जालियाँ डाल दीजिए, जिससे आपके 48 फंदे जो है बढ़ जाएंगे और 9 आपके यहाँ पर होंगे, तो टोटल आपके यहाँ पर 57 फंदे हो जाएंगे। जब आपके ये फंदे पूरे हो जाएं, ये देखिए इस साइड से हमने हर बार इसमें जाली डाली है, तो ये कंप्लीट होने के बाद यहाँ की जो सिलाई है इसे आप पूरा सीधा सीधा बुन के कंप्लीट कर दीजिएगा, जाली नहीं डालनी है। तो मैंने इस सिलाई को पूरा सीधा सीधा बना लिया है। अब इस साइड देखिए, इस साइड पर हम यहाँ की जाली बंद कर रहे थे और इस जाली के फंदे को सीधा बुन रहे थे, तो आपको इस साइड इसमें ज़्यादा फिनिशिंग नज़र आएगी, तो इस बुटीज के इस पार्ट को अब हम सीधा बनाएंगे, और जिस साइड से हमने जाली डाली है इसको हम उल्टा बुनेंगे। तो ये देखिएगा, अगर आपके यहाँ पर 57 फंदे हों तो यहाँ पर आप 24 फंदे सीधे सीधे बुन दीजिए, और अगर 53 फंदे हों तो 22 फंदे आप धागा पीछे करके सीधे सीधे बना लीजिए। तो मैं ये 22 फंदे सीधे सीधे बना देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, 22 फंदे मैंने ये सीधे सीधे बना लिए हैं। अब बीच में हमने जो 9 फंदे रखने हैं उसमें से अब आप 8 फंदे और बना लीजिए, देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात और ये आठ, जो हमने बीच के पार्ट के 9 फंदे रखने हैं उसमें से 8 फंदे मैंने सीधे सीधे बना लिए हैं।
अब ये नौवां फंदा है बीच वाले का और इधर के जो 22 फंदे हैं एक उसमें से, तो पीछे की साइड से इन दो फंदे में इस तरह से सिलाई डाल लीजिए और दो का आप यहाँ एक फंदा बना दीजिए और यहीं से आप इस तरह से टर्न कर लीजिए। ये जो हमने दो का एक किया है इसको इस तरह से बिना बुनाए ऐसे स्लिप कर लीजिए और धागे को यहाँ से पीछे कर दीजिए। तो देखिए एक तो ये हो गया है, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात और ये आठ। आठ फंदे तक बनने के बाद धागे को अपनी तरफ ले आइए। ये नौवां फंदा है और ये जो इधर के 22 फंदे हैं इसमें से इन दो को आप इस तरह से लीजिए और दो का एक फंदा उल्टा कर दीजिए। ऐसा करने से ये जो हमारी चैन बनेगी ये बिल्कुल सीधी सीधी बनेगी। अब यहाँ से आप टर्न कर लीजिएगा और ये जो आपने दो का एक किया है इसे इस तरह से स्लिप कर लीजिएगा। तो देखिए एक हो गया, दो, तीन, चार और ये पाँच, छः, सात और ये आठ। अब ये देखिए ये आपको एक चैन सी नज़र आएगी, ये वाला हमारा नौवां फंदा है और ये एक इधर का। तो बैक साइड से देखिए इस तरह से दो फंदे लेंगे, एक ये नौवां और एक इधर से, इन दो का इस तरह से एक फंदा सीधा बुन देंगे और यहीं से टर्न कर लेंगे। ये जो हमने दो का एक किया है इसको इस तरह से स्लिप कर लेंगे और धागे को पीछे ले जाएंगे। तो एक हो गया, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात और ये आठ। आठ फंदे तक इस तरह से होने के बाद देखिए ये वाला नौवां फंदा और ये एक इधर का, धागे को अपनी तरफ ले आइए इसे और इससे। देखिए ये दो फंदे, इस तरह से दो का एक फंदा उल्टा बुन दीजिए और यहीं से आप टर्न कर लीजिए। तो ये देखिए ये सीधी आपकी चैन बनेगी, इसे आप इस तरह से स्लिप कर लीजिए और एक हो गया, ये देखिए दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात और ये आठ। अब ये देखिए ये नौवां फंदा और एक इधर का, इन दो फंदे में बैक साइड से ऐसे सिलाई डाल लीजिए और दो का एक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ से अब ये फंदे हमारे कम होते जाएंगे, यहीं से आप टर्न कर लीजिएगा। ये जो आपने दो का एक किया है इसे इस तरह से स्लिप कर लीजिए और धागे को पीछे कर दीजिए। तो देखिए एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात और ये आठ। इस तरह से आठ फंदे देखिए ये हमारे हो गए हैं। अब ये नौवां फंदा, धागा अपनी तरफ कीजिए इसको और एक इधर से, इन दो का आप यहाँ पर एक फंदा उल्टा बुन दीजिए और यहीं से आप टर्न कीजिएगा। तो ये देखिए ये फंदे अब हमारे यहाँ से एक सीधी चैन बनेगी और एक सीधी इधर से बनेगी। जब तक आपके ये सारे फंदे इधर के कम नहीं हो जाते और इधर के, तब तक आपने ऐसे ही इनको बुनते जाना है और लास्ट में हमारे नौ फंदे ही बचेंगे। तो ये देखिए इस फंदे को आप स्लिप कर लीजिए, एक हो गया, दो, तीन, चार, पाँच और ये छः, सात और ये आठ। और यहाँ पर ये नौवां और ये इधर का बैक साइड से दो फंदे का एक कर दीजिए। तो इस तरह से करते हुए मैं सारे फंदे कम करके आपको दिखाती हूँ, लास्ट में हमारे पास सिर्फ नौ ही फंदे बचेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स दोनों साइड से इसमें मैंने ये फंदे घटा लिए हैं, यहाँ पर अब मेरे सिर्फ नौ फंदे बचे हुए हैं। अब हमने क्या करना है, ये ऑरेंज कलर का धागा मैंने यहाँ से काट दिया है और ये वाइट कलर का इसके साथ बिल्कुल पक्का सा बांध दिया है। तो आप अपने इस वाले धागे को काट दीजिए और उसमें जो भी आपने सेकंड कलर लगाना हो वो ज्वाइंट कर लीजिए। और अगर एक ही कलर से बनाना चाहती हैं तो फिर आप एक कलर से भी इसे बना सकती हैं। अब कैसे करना, ये देखिए ये जो लाइनें दिख रही हैं आपको उल्टी उल्टी, यहीं से ये जो इसकी फर्स्ट लाइन है इसमें इसमें ऐसे सिलाई डालनी है और इस वाइट कलर से हमने एक फंदा यहाँ पर इस तरह से सीधा बुन लेना है। अब आगे के जो नौ फंदे हैं इन्हें भी आप सीधे सीधे बना लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक बनाने के बाद अब इधर की जो फर्स्ट लाइन है इसमें भी आप इस तरह से सिलाई डाल लीजिए और यहाँ से एक फंदा बना दीजिए। अब यहीं से आप पलट जाइए
और धागा पीछे करके इस पूरी सिलाई को आप सीधा सीधा बना लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इस सिलाई को सीधा सीधा बुनने के बाद फिर से आप यहाँ से टर्न कर लीजिएगा। और ये देखिए, ये इसकी जो सेकंड लाइन है, इस लाइन में आप इस तरह से ऐसे सिलाई डाल लीजिएगा, क्योंकि अब हमने इसमें से दूसरा फंदा लेना है। और ऐसे करके आप यहाँ से एक फंदा बना लीजिएगा और अब आगे के सारे फंदे आप सीधे सीधे बुनते जाइएगा। लास्ट में भी हमने इस सेकंड लाइन में से फंदा उठाना है, तो इन्हें मैं बना लेती हूँ। ये देखिए, यहाँ तक बुनने के बाद अब इधर की ये जो सेकंड लाइन है, इस लाइन में आप इस तरह से सिलाई डाल लीजिए और एक फंदा इधर से भी ऐसे बुन लीजिए और यहीं से अब आप टर्न कर लीजिएगा। धागा पीछे करके पूरी सिलाई को आप सीधा सीधा बना दीजिए। ये फ्रेंड्स, इस तरह से सिलाई को सीधा बनाने के बाद अब फिर से आप सीधी साइड पर आ जाइएगा और ये देखिए, ये इसकी तीसरी लाइन है। इस तीसरी लाइन में ऐसे सिलाई डालेंगे और यहाँ से एक फंदा आप सीधा बुन देंगे। देखिए, ऐसे करके धागे को ले लेना है और इसको सीधा बुन देना। ऐसे बुनने से ये जो उल्टी लाइन है वो उल्टी साइड ही जाएगी। और अब यहाँ से लेकर लास्ट तक आपको सारे फंदे सीधे सीधे बनाने हैं और फिर उधर से भी तीसरी लाइन में से हमने फंदा बनाना है। ये देखिए, इधर की अब हमारी ये तीसरी लाइन है, तो इसमें ऐसे सिलाई डालेंगे और एक फंदा इसमें से ऐसे बना देंगे। तो दोनों साइड से हमारे तीन तीन फंदे बन चुके हैं। अब ये देख लीजिएगा, ये जितनी लाइनें हैं हमें उसी हिसाब से इसमें हर लाइन में से एक फंदा इधर से उठाना है और हर एक लाइन में से इधर से उठाना है। लास्ट की तीन लाइन रहने तक, ये देख लीजिएगा, मैं आपको बता देती हूँ, एक, दो और ये तीन, ये वाली तीन लाइन रहने तक, ये जितनी लाइनें हैं सब में से एक एक फंदा उठाना है दोनों साइड से। तो मैं ये सारे फंदे उठा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, एक एक लाइन में से मैंने एक एक फंदा उठाया हुआ है, तो 10 लाइन तक 10 फंदे इधर से और 10 लाइन में 10 फंदे इधर से, 9 फंदे मेरे इसमें थे, 10 इधर से और 10 इधर से, 20 फंदे बढ़ाने से टोटल मेरे पास 29 फंदे हो गए हैं। यहाँ पर देखिए, सिर्फ तीन लाइनें बाकी बची हुई हैं। तीन से चार लाइनें जब आपकी ये बच जाएं, तब आप इसमें से फंदे उठाना बंद कर देना। अब इस बुटीज का हमने ये देखिए, ये वाला पार्ट तैयार करना है, जो ये पट्टी हमारी ये देखिए इधर से गई हुई है। तो इसके लिए एक बुटीज में तो आपका मन करे इधर वाली साइड बना दीजिए और आपका मन करे इधर वाली साइड बना दीजिए, लेकिन जब आप दूसरी बुटीज में ये पट्टी बनाएंगी तो उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा। तो देखिए, ये वाली बुटीज आप ऐसे रख लीजिए और फिर इस पार्ट को आप यहाँ पर रखिए। तो ये देखिएगा, ऐसे समझ में आ जाता है, इस बुटीज का इस वाली साइड ये पर गया हुआ है, तो इस बुटीज का ऐसे जाके इधर बंद होना चाहिए। तो यानी अब की बार हमें इधर वाली साइड पर ये पट्टी बनानी है, एक बार में इधर बनानी है और एक बार में इधर बनानी है। तो ये कैसे बनानी है, इसके लिए देखिए, हमने इसमें 15 फंदे बनाने हैं। और 15 फंदे कैसे बनाने हैं, दो तरीके हैं। एक तो आप इस धागे को देखिए ऐसे ले लीजिएगा और इस तरह से इसमें फंदे बनाते जाइएगा, लेकिन मैं ऐसे नहीं बनाऊंगी, मैं इसमें फंदे देखिए ऐसे बनाऊंगी। इस तरह से हमने ये लिया और इसको इस सिलाई में डाल देंगे, एक फंदा बन गया, फिर इसी में से मैंने एक फंदा बनाया, ये डाल दिया, दो हो गए, फिर ऐसे बनाया और इसको डाल दिया, तीन हो गए, फिर ऐसे बनाया और ऐसे डाल दिया, चार हो गए, फिर ऐसे बनाया और ये पांच हो गए। ऐसे करते हुए आप इसमें 15 से 20 फंदे तक बना सकती हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने यहाँ पर 18 फंदे बनाए हुए हैं, तो आप बच्चे के पैर के हिसाब से 15 से 20 तक फंदे बना लीजिए। तो मैंने इसमें 18 फंदे बनाए हैं। अब क्या करना है, देखिए, धागा पीछे कीजिए और इस पूरी सिलाई को आप सीधा सीधा बुन दीजिए, जो ये फंदे हमने बनाए हैं ये भी, और जो आगे हमारे 29 फंदे हैं उनको भी आप धागा पीछे करके सीधा सीधा बुन के कंप्लीट कर दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इस सिलाई को मैंने पूरा सीधा सीधा बना लिया है। अब आ जाइएगा इसकी दूसरी साइड पर, दूसरी साइड से भी इस सिलाई को आप पूरा सीधा सीधा ही बना दीजिए। तो इसे भी मैं कंप्लीट कर देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ही फंदे डालने के बाद मैंने दो सिलाइयाँ बना ली हैं। अब आ जाइएगा इसकी तीसरी सिलाई पर, इसे भी आप पूरा सीधा सीधा लास्ट तक बुन दीजिएगा, फिर उधर की सिलाई आएगी तब उसे भी आप पूरा सीधा सीधा बुन दीजिएगा। तो मैं ये दो सिलाइयाँ कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये फंदे उठाने के बाद हमने इसमें चार सिलाइयाँ बनाई हैं। जब आपका इतना पार्ट बन जाए, तब आप इसमें जो हमने इस वाली साइड पर बटन लगाना है उसके लिए होल इस पट्टी में बनेंगे।
तो बटन होल बनाने के लिए देखिए मैं कैसे बनाती हूँ, ताकि हमारा ये बटन होल जो है अंदर से कटता नहीं है। एक, दो, तीन और ये चार। आप यहाँ पर तीन फंदे के बाद भी बटन होल बना सकती हैं और चार के बाद भी बना सकती हैं, ये आपकी अपनी चॉइस होगी। धागा अपनी तरफ कीजिए और इस फंदे को आप सीधा बुन दीजिए। तो अभी हमने जो फंदा बढ़ाया है, नेक्स्ट बार की सीधी सिलाई पर ये फंदा हम कम करेंगे। तो देखिए एक हो गया, दो और ये तीन। तीन से चार फंदे के बाद आप फिर से एक बटन होल यहाँ पर बना दीजिए। अब देखिए एक फंदा हो गया, दो, तीन और ये चार। अब यहाँ पर एक बटन होल और बना दीजिए। आप इस पट्टी में तीन से चार बटन होल बनाइए, ताकि जब हम बच्चों को इसे पहनाएं, ये ऊन है तो ऊन की जो ये पट्टी होती है ये बढ़ जाती है। तो तीन से चार बटन होल जब हमारे पास होंगे तो इसको पहनाने के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है। अगर एक में लूज हो जाए तो हम इसे नेक्स्ट में डाल सकते हैं। तो इस तरह से मैं कम से कम तीन और ज़्यादा से ज़्यादा चार इसमें बटन होल ज़रूर बनाती हूँ। अब आप इस पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुन दीजिए। ये देखिए इस तरह से पूरी सिलाई को मैंने बना लिया है। अब आप आ जाइए इसकी दूसरी साइड पर। अब इस सिलाई को भी आप पूरा सीधा सीधा बुन दीजिए। जो हमने जाली से फंदे बढ़ाए हुए हैं उनको भी आप ऐसे ही सीधा बुन लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इस सिलाई को मैंने बना लिया है और आप ये देख सकती हैं एक और ये दो, तीन, तीन बटन होल्स में बनाए हुए। चार भी आप बना सकती हैं, ये आपकी अपनी चॉइस होगी। अब आ जाइए इस साइड पर और यहाँ से हमने जो फंदे इसमें बढ़ाए हैं उनको हम वापस से कम कर देंगे। तो देखिए एक, दो, तीन और ये चार। ये देख लीजिएगा, चार फंदे बनाने के बाद हमने ये जाली डाली थी। तो अब ये जाली से बढ़ाया हुआ फंदा और ये आगे वाला, ये लेकर दो का एक कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा ये जो बटन होल बनता है, ये बटन लगाने पर ना धागा ऊपर से कटेगा और ना नीचे से। तो इस तरह से करते हुए जितनी भी जालियाँ हमने डाली हैं उन सबको हम ऐसे ही कम कर देंगे। ये जाली वाला और ये वाला, इन दो का एक कर देंगे। तो यहाँ से भी ये वापस कम हो गया है। अब एक बचा है, इसको भी हम ऐसे ही कम कर देंगे। ये देखिए, ये जाली से बढ़ाया हुआ और ये वाला, तो जितने फंदे थे हमारे उतने ही रह गए हैं। अब इस पूरी सिलाई को आप सीधा सीधा बुन दीजिए। फिर सीधी साइड की जो सिलाई है इसके बाद ये उल्टी साइड आती है, तो यहाँ से भी आप सीधा ही बनाइए। ये देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरह से इस पट्टी के बीच में हमारे बटन होल आ गए हैं। अब सीधी साइड से ये सारे फंदे आप बाइंड ऑफ कर दीजिए। जब भी आप चाहे इस पैर के लिए करनी हो चाहे इस पैर के लिए करनी हो, जो ये इसकी सीधी साइड है उसी साइड से ये फंदे बाइंड ऑफ करना, जिससे आपकी ये एक लाइन इसके ऊपर बहुत अच्छी से बन जाएगी। तो देखिए दो का एक कीजिए, इसे वापस लीजिए और फिर दो का एक कीजिए। ऐसे करते हुए आप ये सारे फंदे बाइंड ऑफ कर लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ये पट्टी तैयार हो गई है। अब आपको इसमें से निकालना है इस पट्टी को, ये देखिएगा ऐसे, और यहाँ पर आप एक बटन लगा दीजिए और इस तरह से इसे बंद कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये प्यारा सा बुटीज का जोड़ा हमारा तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये बेबी बूट पसंद आए हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।